दोस्तों मैं हूं प्रियांशु, वेलकम टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो आज के इस वीडियो में अनबॉक्स करने वाला हूं गैन 356M लाइट 3x3 मैग्नेटिक स्टिकरलेस क्यूब का, एंड जो कि मुझे क्यूब लेलो ने भेजा है, एंड काफ़ी अच्छे टाइम पे भेजा है क्योंकि अभी चल रहा है मेगा सेल जिसमें आपको ये वाला क्यूब एंड और भी काफ़ी दूसरे गैन क्यूब जो है वो हैवी डिस्काउंट पे मिल रहे हैं। आप ज़रूर चेकआउट करना, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। फिलहाल मैं चेकआउट करता हूँ ये क्यूब को कि कैसा ये परफॉर्म करता है आउट ऑफ द बॉक्स। तो फिर चलो शुरू करते हैं। ओके, तो ये खुल गया हमारा बॉक्स एंड यहाँ पे है एक फ्रीबी, एक क्यूब स्टैंड, क्यूब ले लो क्यूब स्टैंड जो कि है ग्रीन कलर का। एंड ये रहा हमारा क्यूब, काफ़ी अच्छे से लाइक ट्रांसपेरेंट रैप में ये सील्ड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेंशनड है इसका प्राइस 37.99, बट इसका ओरिजिनल प्राइस क्यूब ले लो पे है 26.99, एंड अभी की जो सेल में ये 30% डिस्काउंट पे चल रहा है जहाँ पे आपको ये मिल जाएगा 1889 रुपीज़ का, जो कि काफ़ी बेस्ट डील रहेगा आपके लिए इस क्यूब के लिए। एंड ऑल्सो गैन 12 मैगलेव जिसके ऊपर मैंने पहले वीडियो बनाई थी वो अभी जो है फिलहाल आपको 5999 रुपीज़ में मिल रहा है। तो ये है क्यूब स्टेशन कार्ड एंड देन ये है एक वाइट कलर के बॉक्स में एसेसरीज बॉक्स। सो एसेसरीज बॉक्स में देखे तो हमें मिलता है ये ट्रेडिशनल गैन का ब्लू कलर का, डार्क ब्लू कलर का पाउच एंड विथ अ वाइट गैन लोगो इन द मिडल। एंड उसके बाद ये है एक मैनुअल जो कि काफ़ी बड़ा है एंड इसमें F2L, PLL, OLL के सारे एल्गोरिदम्स दे रखे हैं, एंड अगर आप चाहो तो इसको अपने दीवारों पर भी चिपका सकते हो, इतना बड़ा है। तो ये रहा हमारा क्यूब जो कि एक हार्ड ट्रांसपेरेंट केस में है एंड ये खुलता कैसे। ओके, तो ये रहा हमारा ब्रांड न्यू गैन 356M लाइट एंड यहाँ पे आप देख सकते हो इसके ब्लैक इंटरनल्स है एंड मैट सरफेस है, एंड जिस वजह से इसके काफ़ी वाइब्रेंट कलर्स यहाँ पे अपीयर हो रहे हैं इस ब्लैक इंटरनल के कॉम्बिनेशन के साथ। ऑल्सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये प्री ल्यूब्रिकेटेड है, यहाँ पे काफ़ी आपको अच्छे से ल्यूब्रिकेशन मिल जाता है। ओके, सो लेट्स हैव यू फर्स्ट टर्न्स। तो काफ़ी इनिशियली ये काफ़ी बढ़िया फील हो रहा है आउट ऑफ द बॉक्स, एंड क्योंकि अभी थोड़ा सा लूज है जिस वजह से थोड़ा सा अनकंट्रोलेबल हो रहा है, बट ओवरऑल इसकी काफ़ी अच्छी फील आ रही है, काफ़ी क्रिस्प फील आ रही है। तो साइज़ कंपेयर करूँ तो ये है वीलॉन्ग V9 मैग्नेटिक जो कि 55mm का है, एंड ये जो गैन 356M है ये है 56mm का। तो यहाँ पे आप 1mm का डिफरेंस जो है यहाँ पे देख सकते हो, काफ़ी नोटिसेबल डिफरेंस होता है ये। एंड ऑल्सो ये है टोर्नेडो V3 पायोनियर जहाँ पे भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे 1mm का डिफरेंस जो है वो काफ़ी ईजिली दिख जाता है इस क्यूब के साथ। तो कॉर्नर कटिंग की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो 45 डिग्री जो है वो काफ़ी ईजिली यहाँ पे कॉर्नर कट कर ले रहा है ये क्यूब। एंड रिवर्स कॉर्नर कटिंग की बात करें तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे लाइन टू लाइन जो है वो काफ़ी ईजिली यहाँ पे कॉर्नर कट कर ले रहा है ये, एंड थोड़ा सा आगे भी यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये लाइक समहाउ कर ले रहा है कॉर्नर कट, रिवर्स कॉर्नर कट। तो यहाँ पे हमें इसके अंदर मॉडरेट मैग्नेट्स मिलते हैं जो कि फिक्स्ड होते हैं, आप इसके मैग्नेट्स के स्ट्रेंथ को जो है वो चेंज नहीं कर पाओगे। एंड ऑल्सो इसके इंटरनल सर्फेस पे आप देख सकते हो यहाँ पे हमें मिलता है हनी कोम डिज़ाइन जो कि गैन के मोस्टली सारे क्यूब्स पे मिलता है हमें, एंड एक तरह से ये गैन का सिग्नेचर डिज़ाइन है। ओके, तो सेंटर कैप के नीचे देखें तो यहाँ पे हमें मिलता है GES नट्स जिसको आप काफ़ी ईजिली बेयर हैंड से जो है वो एडजस्ट कर सकते हो इसके स्प्रिंग के टेंशन को। तो गैन जो है वो लाइक धीरे धीरे इन सब चीज़ों जो एक्स्ट्रा एक्सेसरीज होती है ना उसको रिड्यूस करने की कोशिश कर रहा है, एंड रिसेंट के मॉडल्स में आपको देखने को मिलेंगे कि वो काफ़ी रिड्यूस्ड, आपके साथ इतने सारे एसेसरीज नहीं मिलती हैं डिफरेंट कलर्स के। एंड इसके सेंटर कैप के अंदर जो नट होता है ना, जो नट्स GES नट्स बोलते हैं, उसमें ही काफ़ी डिफरेंट टाइप के सेटिंग्स यहाँ पे गैन जो है वो प्री बिल्ड करके देता है, जो कि काफ़ी लाइक अच्छा होता है। इससे प्राइस का, इससे क्यूब का जो प्राइस है वो भी थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है क्योंकि एसेसरीज़ कम हो जाती हैं। एंड ऑल्सो दीज डेज क्यूब्स के ऊपर ग्लॉसी एंड UV कोटिंग जो है वो काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, एंड वो काफ़ी बेहतर भी होता है ग्रिपिंग के लिए, काफ़ी पर्सनली मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पे आप देख सकते हो वेलॉन्ग V9 बॉल को UV कोटेड है जो काफ़ी बेहतर फील होता है ऑब्वियसली। ओके, तो इंटरनल्स को देखें तो यहाँ पे हमें ब्लैक इंटरनल्स मिलता है जैसे मैंने आपको पहले बताया, एंड पर्सनली अगेन मुझे ये काफ़ी बेहतर लगता है, एंड इसी वजह से ब्लैक इंटरनल्स के क्यूब्स मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। एंड मेरे पास MGC EVO का लिमिटेड एडिशन ब्लैक इंटरनल्स क्यूब भी था, एंड टोर्नेडो V2 भी मुझे काफ़ी बेहतर लगता है बिकॉज ऑफ द ब्लैक इंटरनल्स ओनली। एंड इसमें हमें नॉर्मल कॉर्नर एज मैग्नेट मिलता है, मॉर्टर एज स्ट्रेंथ के मैग्नेट जो कि आप इसको चेंज नहीं कर सकते उसके स्ट्रेंथ को। तो ये क्यूब 100 सॉल्विंग के लिए भी काफ़ी आइडियल हो सकता है, आप इसको 100 सॉल्विंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो। ओके, तो ये काफ़ी बेस्ट ऑप्शन रहेगा आपके लिए अगर आप चाहते हो कि इस फ्लैगशिप लेवल के क्यूब को, जो कि इसका ओरिजिनल प्राइस 26.99 है, आपको इस मिड रेंज 1889 रुपीज़ में मिल जाए, तो ये बेस्ट टाइम है आपके लिए कि आप इस क्यूब को खरीद सकते हो। जैसे मैंने बताया कि लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एंड पिंड कमेंट में भी है, तो डेफिनेटली आप चेकआउट कर सकते हो। सेल जो है वो 10 तारीख तक चल रहा है
एंड सबसे इम्पॉर्टेंट एंड आपके लिए सबसे बेनिफिशियल चीज़ ये है कि आप इस ऑफ़र के साथ साथ आप कूपन कोड्स भी यूज़ कर सकते हो। आप मेरा कूपन कोड रूबिक गुरु यूज़ कर सकते हो ताकि आपको एडिशनल 50 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाए। ओके, तो ये काफ़ी बेहतर ऑप्शन होगा जिससे आपकी प्राइस जो है क्योंकि और नीचे और कम हो जाएगी। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो एंड डेफिनेटली मैं इस पर ट्राई करूँगा एक रिव्यू वीडियो बनाने की ताकि मैं बता पाऊँ कि ये क्यूब जो है वो एक्चुअली कैसा फील हुआ आफ्टर फ्यू डेज एंड आफ्टर फ्यू मंथ्स मे बी। ओके, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं इस तरह के डिफरेंट क्यूब्स के ऊपर वीडियोज एंड रिव्यूज एंड ट्यूटोरियल्स लेके आता ही रहता हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। ओला अमीगो, कैसे हो? ठीक हो? घर पे कैसे सब? आंटी को बोलना सेंड माय लव। नमस्ते आंटी।